I get up. Time is barely on our side. कैसी हो? ठीक हो गए सब? नहीं बेटा, मैं ठीक क्या हूँ? मेरे पैर में तकलीफ है। तो ठीक नहीं तो तकलीफ है। पैर में तकलीफ है आपके? हाँ, पैर में तकलीफ मेरे। तो इन्हें दवाई जो बता, तो मैं इसलिए आया कि बहुत देर से खड़े थे, तो मैंने कहा आप इन्हें छोड़ देना, पैसे की कोई दिक्कत है तो। पैसे हैं इनके पास? नहीं थे इसके पास? कहाँ से होगा पैसा? नहीं है जी, है नहीं पैसे? नहीं बेटा, अगर है तो। कुछ खाया आपने? ऐसा है, आप इन्हें छोड़ देना जहाँ भी ये जाएं, मैं दे देता हूँ इन्हें कुछ पैसे। मेरे को दे देता है किराया। आप ये रख लीजिए मेरी तरफ से, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, मेहरबानी बेटा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। और खाने के लिए आपके लिए मेहरबानी कर रहा है। ले ले खाने के लिए, ये लीजिए आप। क्या बेटा इसमें है? फ्रूट वगैरह खा लें इसमें। ठीक है, जो भी है खा लेना, आपको चक्कर नहीं। बहुत ज़्यादा मेहरबानी आज से। और बाकी ना थोड़ा ख्याल रखो अपना, ये बीमारी चल रही है ना इस टाइम पे, तो ज़्यादा इकट्ठे खड़े मत हो। कहाँ कहाँ गए? मैं यहीं पे रहता हूँ, पास में रहता हूँ। घर कहाँ पड़ता है आपके? मैं मुरादाबाद से हूँ वैसे। हाँ, तो ये है कि अपना ख्याल रखो, क्योंकि ये बीमारी जो है इसे हल्के में मत लो। चेहरा आप भी ढक के रखो अपना, चाचा आप भी। नहीं, सही। और आप भी ना दुपट्टा चेहरे पे फेस पे रखो, बांध रखो। हाँ, और अपना ख्याल रखो, ये खा लेना। मेरी बात तो जी ना, कोई बात नहीं है। परेशानियाँ होती हैं तो देखो कोई ना कोई जरिया बन जाता है। सही। और इस टाइम तो खैर हर इंसान को परेशानी है। सही बात है। तो जो भी ये परेशानी का टाइम है निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप चल नहीं पाती हैं, ये आपके मतलब इसके जरिए चलती हैं आप? उसी पे चलते हैं, वही पकड़ के। बताइए कितनी बड़ी परेशानी है? बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा। ये आप ही लगा का आदमी है, उधर की है। आप इन्हें छोड़ देना। मैं क्यों? अयोध्या जो है ना, गाँव वहाँ की रहने वाली हूँ मैं। अभी इंसान जहाँ पे जो फंस गया वो वहीं पर रह रहा है, क्या कर सकता है मजबूरी में। तो आप ना इन्हें जहाँ भी जाए छोड़ दो इन्हें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। ठीक है, हम भी बिहार का हूँ। ओके ओके, आप भी मजदूरी में फंस जाए तो आप कहाँ जाओगे? बहुत बढ़िया है। और आप इन्हें दे देना पैसे। हैं अपना ख्याल रखो। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस वीडियो देखने के लिए और वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे लोग आपको कहीं भी मिलते हैं तो उनकी मदद करें, जो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो टाइम है और बहुत ज़्यादा परेशानी का है, और जो बेचारे होमलेस पीपल्स हैं या गरीब हैं जो बाहर फंसे हैं, तो उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ना करें प्लीज़, ऐसे लोगों की मदद करें जो भी आप कर सकते हैं, चाहे वो खाने से हो या पैसे से हो। तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप जानते हैं कि एक मतलब ऐसी कोरोना बीमारी महामारी चल रही है, तो ऐसे टाइम पर घर पर रहें ज़्यादातर, अपना ख्याल रखें और बाहर जाने से बचें जितना भी हो सके। और जाएं भी तो मतलब जो भूखे जानवर हैं या ऐसे लोग अगर आपको कहीं मिलते हैं तो उनकी मदद करें, जो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप हमारा चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।